नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं छतरपुर शहर से जुड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश नाट्य भोपाल से आए हुए कलाकारों द्वारा छतरपुर शहर के साथ साथ बुंदेलखंड के तमाम ऐसे जगहों पर भ्रमण किया जा रहा है, जहां पर बुंदेलखंड की संस्कृति, उनकी सभ्यता और रहन सहन की मिट्टी में भी खुशबू झलकती है। भोपाल से आए हुए ये कलाकार हर रोज सुबह से ही भ्रमण करने के लिए बुंदेलखंड के अलग अलग जगहों पर भ्रमण करते हैं और वहां के मौजूदा लोगों से मिलकर बुंदेलखंड की परंपरा के बारे में भी जानते हैं, जिसके बाद देर शाम तक यहां छतरपुर शहर के गांधी आश्रम में आकर के उनके द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाती हैं, जिसमें युवाओं के साथ साथ तमाम छतरपुर जिले व बुंदेलखंड के लोगों को एक प्रयास के रूप में संस्कृति से रूबरू कराया जाता है, जिसमें रंगमंच के माध्यम से अपनी कला की आकृतियों को बिखराते हुए साफ तौर पर कलाकार आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो यह नाटक कलाकृति चलाई जा रही है, जिसमें कलाकारों द्वारा बहरूपिया नामक एक कलाकार का मुख्य किरदार निभाया जा रहा है। आपको बता दें यह एक वृद्ध के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बुंदेलखंड की परंपरा के बारे में रूबरू कराते हुए लोगों का मनोरंजन व रंगमंच के माध्यम से सांस्कृतिक कलाकारों की भी रूप को बिखेरा। इसके बाद इस पूरे माहौल को देखने के लिए छतरपुर शहर के तमाम युवा व समाज सेवी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर एक शपथ के दौरान भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सभी ने शपथ भी ली। आम जनमानस ने भी एक शपथ ली कि मतदाता भी अब मतदान देंगे और एक नए निर्माण का लोकतंत्र में निर्माण भी करेंगे। तमाम इन रंगारंग प्रस्तुतियों में मुख्य रूप से जो मौजूद रहे वे लोग थे के चतुर्वेदी, संजय शर्मा, शंकरलाल सोनी, रामकिशोर गुप्ता, के खरे, शंकर शरण खरे, जीएस खरे, एलपी पाठक, विपिन अवस्थी, केएन सोमन, हरीश चंद्र, नीलम पांडे, कमल अवस्थी, शिवेंद्र शुक्ला के साथ तमाम युवा गण मौजूद रहे। ये तो उन लोग को लाए हैं कि वी टीवी और एफ टीवी और जी टीवी और एम टीवी देखना बंद करो, ये सब हमारे लोक संस्कृति है उसको देखो, नहीं तो अपनी जड़ों के बारे में पता नहीं है और दूसरे को पिताजी बनाने चले गए। ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है ना। हम बार बार बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की संस्कृति, उसके बाद देश की संस्कृति, उसके बाद एशिया की संस्कृति, उसके बाद विश्व संस्कृति, तब ना जाके एक समूचा वृक्ष खड़ा होगा जिसकी जड़ें भी गहरी होंगी और सिर भी आसमान की ओर उन्नत होगा। अभी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगातार हमें दिखाई जा रही हैं, बधाई, ढिमराई और यहाँ की अलग अलग प्रकार की जो लोग सॉन्ग्स हैं, जो गीत हैं, लोकगीत अलग अलग पर्व में अलग अलग मौसम के हिसाब से। यहाँ पे लगभग पूरे संसार में इंडिया एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब एक ऐसी जगह है, सॉरी,
जहाँ पे जन्म से लेके मृत्यु तक हर हर सिचुएशन में हमारे पास गीत है। जन्म में सुहर गाते हैं, फिर मृत्यु के समय कर्मा गाते हैं, ऐसे बरुआ गीत है, जैसे जैसे बड़ा होता है वयस्क होता है, फिर शादियों में गीत होते हैं, परछन होता है, और विदाई के समय गीत होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे भाई देखी मैंने। बुंदेलखंड की संस्कृति से कितना रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान तो बहुत है, क्योंकि मैं खुद बघेलखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ बघेलखंड से और वहाँ काम कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आस पास में हैं और यहाँ पे लोग अब लगातार काम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का कि यहाँ पर लेकर आए हमें और नई नई चीज़ें हमें देखने को मिली। अभी तो हमारा ये चौथा दिन है आज, और यहाँ बहुत रिच है ये शहर जो है, बुंदेलखंड जो है वो बहुत रिच है लोक नाट्य लोक शैली को लेके, जैसे लोकगीत नृत्य। मैं बिहार से हूँ तो वहाँ से मिलती जुलती है लोकगीत तो, और लोक नाट्य और लोक नृत्य के मामले में इतना ज़्यादा रिच है कि मैंने कल डिमराई देखा, बधाई देखा और राई, तो वो पूरे रात रात भर चलता है और इतना ज़्यादा, और उनकी एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा होती है। मैंने कल उन लोगों से बात भी की, इनकी हिस्ट्री सारे डांस फॉर्म और सारे लोक नाट्य की हिस्ट्री भी पता चल रही है हमें, तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिल रहा है पहली बार। और हम अपने प्ले के लिए रिसर्च करने आए हैं, तो पहली बार हमें ये मौका मिल रहा है कि हम अपने अपने फोक को छोड़ के, बिहार के फोक को छोड़ के, हम कहीं और का इतना फोक मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें। खबर दिन भर के इस बुलेटिन के लिए बस इतना ही, बने रहे पैप्टिक टाइम के साथ। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।